Assalamualaikum everyone, this is Abdullah Afridi from Gun Master. और आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ RX Delta L पिस्टल की, जो कि सेमी ऑटोमेटिक 9 कैलिबर का पिस्टल है, स्ट्राइकर फायर। इस वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, इसकी प्राइस टैग के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको पाकिस्तानी मार्केट में किस प्राइस टैग में मिल जाती है। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बिल के आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले हमारे जितनी भी फायर आर्म्स रिलेटेड वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। RX Delta L ये आपको इस तरह की बॉक्स पैकिंग में मिल जाती है। फ्रंट पे आपको RX का लोगो मिल जाता है और साइड पे इसकी कुछ डिटेल्स आपको मिल जाती है। मेक श्योर कि आप इसकी बॉक्स जो है पिस्टल के साथ इसकी नंबर जो है वो मैच करता हो, क्योंकि अगर मैच ना करता हो तो फिर ये समझिए कि इसका बॉक्स अपना नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चाइल्ड लॉक मिलता है, इसके थ्रू आप इसकी बैरल को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ पेपर वर्क है, यूजर मैनुअल है, आप इसकी सारी डिटेल इसमें पढ़ सकते हैं। ये इसके साथ कुछ आपको तीन साइज की स्ट्रैप्स मिल जाती है। अगर आपका हाथ जो है इसके बाय डिफॉल्ट स्ट्रैप में जो है वो फिट नहीं होता, तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हैंड साइज के मुताबिक, आप इसको फिर यहाँ पे लगा सकते हैं। ये इसका जो है प्लेट्स है रेड डॉट साइड के लिए, तो अगर आप रेड डॉट साइड लगाना चाहते हैं तो आप जो भी रेड डॉट साइड परचेज करेंगे उसके हिसाब से फिर आप वो लगाएंगे। ये इसके सफाई टूल्स है, ठीक है, ब्रश है, रॉड्स है, तो ये एक्स्ट्रा ये आपको इसके साथ मिल जाती है। काफ़ी अच्छी पैकिंग है। दो मैगजीन आपको मिल जाती है इसके साथ, ठीक है। 17 शॉट की मैगजीन कैपेसिटी है, लेकिन ये जो प्लेट है, बेस प्लेट है, इसकी थ्रू जो है फिर इसमें दो एक्स्ट्रा बुलेट्स आती है। इसमें 17 ही आती होगी और इसमें 19 बुलेट्स आती है। पिस्टल की तरफ आते हैं, RX Delta L। सबसे पहले इसकी हैंड ग्रिप के ऊपर बात कर लेते हैं, तो इसका जो हैंड ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। इसकी जो फ्रेम है वो काफ़ी मतलब पतला है, तो आपका जो हाथ है वो आसानी से इसमें फिट हो जाता है। दूसरा हाथ भी जो है काफ़ी अच्छी तरह से इसमें फिट हो जाता है, तो नो डाउट इसकी जो हैंड ग्रिप है वो काफ़ी एक परफेक्ट है। हैंड ग्रिप पे जो है काफ़ी खूबसूरत हैचिंग की हुई है, तो आपका हाथ जो है वो फिसलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। पेक्टिनी रेल आपको मिल जाता है, ठीक है, अगर लेज़र या लाइट लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। रेड डॉट साइट है, रेड डॉट साइट ऑप्टिक रेडी पिस्टल है, ठीक है, मतलब अगर आप रेड डॉट साइट लगाना चाहते हैं तो आप इस प्लेट को उतारेंगे और दूसरा जो प्लेट इसके साथ आपको मिल जाती है वो लगा के आप इस पर रेड डॉट साइट लगा सकते हैं। फ्रंट और बैक सजेशन के साथ आपको मिलता है, ठीक है, तो अगर आप बैक सजेशन के साथ इसको यूज़ करते हैं, फ्रंट सजेशन के साथ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक 9mm कैलिबर का पिस्टल है और इसमें आपको मैनुअल सेफ्टी ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। तो ये कुछ ग्लॉक की मैकेनिज्म है, स्ट्राइकर फायर पिस्टल है, ठीक है। ये इसका इंडिकेटर है, अगर ये आउट हो तो इसका मतलब है ये कॉक हुआ है, ये पिस्टल लोड है, और अगर ये अंदर हो, इसमें ये जो है फिर बायर निकलता है, इसके अंदर रेड डॉट का एक पिन होता है, तो इसका मतलब है कि ये पिस्टल जो है ये कॉक हुआ है। बाकी RX की अपनी ही मैगजीन्स के साथ आपको मिलती है 17 शॉट की, ये पतरी सी बनी हुई है, काफ़ी खूबसूरत पिंक कलर के फॉरवर्ड जो है आपको मिल जाता है इसके साथ। तो हैंड ग्रिप काफ़ी परफेक्ट है और पिस्टल जो है ये कंप्लीट बड़े साइज़ का पिस्टल है, लेकिन वेट के हिसाब से ये काफ़ी हल्का है, तो अगर आप इसको कैरी करना चाहते हैं मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए, तो आप आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट लेंथ के बारे में आपको बता दूं, तो इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो 196 मिलीमीटर है, ठीक है, और बैरल लेंथ आपको इसमें 114 मिलीमीटर की मिल जाती है। हाइट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 140 मिलीमीटर की इसकी कंप्लीट हाइट आपको मिल जाती है। चौड़ाई जो है स्लाइड की 26 मिलीमीटर है और फ्रेम की 28 मिलीमीटर है, और एम टी मैगजीन के साथ इसका जो वेट है वो आपको 600
77 ग्राम की वेट आपको मिल जाती है एमटी मैगजीन के साथ। जब आप इसको लोड करते हैं, जब इसमें बुलेट्स हो, तो फिर इसकी वेट जो है वो 886 ग्राम तक पहुंच जाती है। तो ग्रिप काफ़ी अच्छा है, अगर छोटे हाथ है बड़े हाथ है आसानी से इसमें फिट हो जाते हैं। अब इसकी प्राइस टैग के ऊपर आते हैं, तो RX डेल्टा L पिस्टल की डिटेल्स आपने देख ली है कि काफ़ी खूबसूरत पिस्टल है, हैंड ग्रिप काफ़ी अच्छा है, आपका हाथ काफ़ी अच्छी तरह से इसमें फिट हो जाता है और ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो आपको ऑलमोस्ट ग्लॉक 70 की तरह मिल जाती है, मैकेनिज्म जो है वो आपको एग्जैक्टली उसी तरह मिल जाती है। तो लुक जो है ऑलमोस्ट ग्लॉक 17 से आई थिंक ये उसकी तरह मिलता जुलता है। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, ग्रे कलर की इसकी जो है बॉडी कलर है, ब्लैक टू टोन कलर है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी प्राइस टैग के ऊपर मैं आपको बता दूं कि ये आजकल आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाती है 4.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में, डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे। आजकल इम्पोर्ट बंद है तो इस वजह से इसकी प्राइसेज जो है वो दुगनी चल रही है, जब इम्पोर्ट खुल जाए दोबारा तो शायद इसकी प्राइसेज जो है वो कम हो जाए, लेकिन आजकल जो है ऑलमोस्ट सारी जितनी भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइसेज जो है वो डबल हो गई है। तो ये थी आज की वीडियो हमारी RX डेल्टा L के हवाले से, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज और गूगल पे आप हमें सर्च कर सकते हैं गन मास्टर कॉरपोरेशन के नाम पे, आप हमारा जो है एड्रेस निकाल सकते हैं या वट नंबर भी निकाल सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।